बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं ब्रिगेडियर मसूद हूँ। आज 27 जनवरी 2023। आज हम बात करेंगे फॉल्स फ्लैग का पेशेंट्स क्या होते हैं। हाल ही में आपने फॉल्स फ्लैग का पेशेंट के बारे में ख़बर सुनी थी, जिसमें इंडिया की तरफ से आई थी। वहाँ पे एक फॉल्स फ्लैग का पेशेंट प्लान हो रहा था मकबूजा कश्मीर में, और लेकिन पाकिस्तानी एजेंसीज ने टाइम से प्लेस को डिटेक्ट कर लिया था। तो आज हम देखेंगे फॉल्स फ्लैग का पेशेंट्स क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है और इंडियन कनेक्शन इसमें क्या है। फॉल्स फ्लैग का पेशेंट बेसिकली एक कवर्ट ऑपरेशंस होते हैं या खुफिया किस्म के ऑपरेशंस होते हैं, जिसमें लोगों को धोखा दिया जाता है और एक ऐसी वारदात और एक ऐसे इवेंट अंजाम दिया जाता है जिसका इल्ज़ाम आप किसी ख़ास ग्रुप पे लगाए जाएं, किसी मुल्क पे लगाए जाएं, और अकॉर्डिंगली उसमें वहाँ पे एविडेंस तैयार किया जाता है। इसको फॉल्स फ्लैग का पेशेंट कहते हैं। हिस्टोरिकली अगर रिसेंट मॉडर्न हिस्ट्री में देखें, 1939 में जर्मन सोल्जर्स ने, उन्होंने जो पोलैंड के साथ बॉर्डर थे वहाँ पे एक रेडियो स्टेशन था, उसको उन्होंने हमला किया, और वो उन्होंने पोलिश आर्मी की यूनिफॉर्म पहने हुए थे। फिर वहाँ से कुछ अपने साथ कैदियों की डेड बॉडीज़ और कुछ और लोगों की बॉडीज़ लेके गए हुए थे, उनको जर्मन यूनिफॉर्म्स पहनाई हुई थी, और वहाँ पे उन्होंने उस पर हमला किया। और उसके बाद उस हमले से पहले एक वहाँ पे पोलिश लैंग्वेज में एक मैसेज भी रिले किया गया नाजी जर्मनी, ताकि सब चीज़ों को जस्टिफाई कर सके। और इसी प्रीटेक्स में सबसिक्वेंटली जर्मनी ने फिर वहाँ पे पोलैंड पे हमला कर दिया था। इसी तरह वर्ल्ड वार टू के दौरान फिनलैंड से जर्मनी रशिया के गांव पे अटली शेलिंग होती रही, वहाँ से एक ग्रुप इसमें इन्वॉल्व था, जिसके रिजल्टेंटली रशिया भी वर्ल्ड वार टू में कूद पड़ा, और इसको विच लेड टू द फेमस जो विंटर वार हुई बिटवीन रशिया एंड फिनलैंड, ये शेलिंग सबब बनी। मोस्ट रिसेंटली 9/11 को भी इस सिलसिले में कहा जाता है कि एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, और जिसमें जस्टिफिकेशन तलाश की जाती है टू इन्वेट इराक एंड अफगानिस्तान। इस पर किताबें भी लिखी जा चुकी हैं, इसमें डॉक्यूमेंट्रीज भी बनी हैं। और अभी हम जब इंडियन कनेक्शन देखते हैं, तो इंडिया की भी एक लॉन्ग हिस्ट्री है इस फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की। सबसे पहले 1971 में जनवरी या मार्च में उनका एक फोकर जहाज़ था जो न्यू दिल्ली में से फ्लाई कर रहा था, फोकर था, गंगा उसका नाम था, उसको हाईजेक करके कुछ कश्मीरियों ने लेकर लाहौर आए हुए थे। सबसिक्वेंटली इस जहाज़ को जला दिया गया था, बट होस्टेजेस को रिलीज कर दिया गया था। इस प्रीटेक्स के ऊपर इंडिया ने हमारी जो ओवर फ्लाइट्स थी टू ईस्ट पाकिस्तान ओवर इंडिया, उन्होंने बंद कर दी थी, और ये उस गेम का हिस्सा था, क्योंकि सबसिक्वेंटली 1971 में इंडिया ऑलरेडी मुक्ति बानी इसको सपोर्ट कर रहा था और पाकिस्तान को इसमें रोकना चाह रहा था, ताकि कोई लॉजिस्टिक वहाँ पर ना पहुँच सके। 1999 में एक और हाईजेकिंग हुई, जिसमें इस दफ़ा इंडिया का एक बोइंग जहाज़ IC-814 जो कंधार लेके गए थे, और सब्सिक्वेंटली इसमें भी एक बार्गेनिंग हुई, जिसमें जसवंत सिंह इसमें बातचीत में इन्वॉल्व थे। होस्टेजेस तो कोई नहीं थे, लेकिन ये थे कुछ जो लोग इस बार्गेनिंग में कुछ लोग रिलीज हो गए थे। अगेन इट वॉज ए इनसाइड जॉब बताया जाता है। 36 सिंह पूरा एक बड़ा मशहूर मैसेकर हुआ, जिसमें ये इस ज़िला इस्लामाबाद मकबूजा कश्मीर में एक गाँव था, जिसमें 35 सिखों को यहाँ पर कत्लेआम कर दिया गया था। और ये उस दिन ये वाकया पेश आया जिस दिन बिल क्लिंटन कोई 25 साल के बाद फर्स्ट अमेरिकन प्रेसिडेंट थे, ये विज़िट कर रहे थे। अगेन एम वाज़ टू प्रेजेंट पाकिस्तान स्टेट स्पॉन्सरिंग टेररिज्म। फिर अक्टूबर 2001 में मकबूजा जम्मू एंड कश्मीर की जो कानून साज असम्बली थी उस पर हमला हुआ। फिर उसी साल के एंड में इंडियन पार्लियामेंट दिल्ली में हमला हुआ, और फेमस मुंबई अटैक्स थे। अगेन ये कहा जाता है क्लासिक एग्जांपल ऑफ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, जिसमें काफ़ी सारे जगहों पे हमले हुए। और लेकिन इस पे ऊपर एक किताब लिखी गई है एलिस डेविडसन ने, बड़ी तहकीक के बाद 905 सफ़ों की ये बुक है द बेट्रेल ऑफ इंडिया। उस पे उन्होंने ही रेस हंड्रेड्स ऑफ क्वेश्चंस, लेकिन आज तक किसी इंडियन ने इसका जवाब नहीं दिया, और उसने ये साबित करने की कोशिश की ये इंडियन एजेंसीज का काम था। ये बाद में साबित हुआ कि अजमल कसाव के पास उत्तर प्रदेश के एक डिस्ट्रिक्ट का डोमिसाइल था। इसके बाद पठानकोट अटैक्स हुए, इसको भी क्लासिक केस बताया जाता है, क्योंकि ये अटैक उसी दिन हुए जिस दिन प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने 2016 में हुआ था। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने यूएन जनरल असेंबली को एड्रेस करना था, एंड ही वाज टू रेज द इशू ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, सो इट वाज अगेन लिंक विद दैट स्पीच। उड़ी कैंप अटैक हुआ,
और अगेन इसमें उन्होंने मलबा पाकिस्तान पर डाला कि पाकिस्तान ने कराया, लेकिन किस कोई और मानने को इस पर तैयार नहीं था क्योंकि एविडेंस वो जस्टिफाई नहीं कर सके थे। जो इंडियन इलीगल ऑक्यूपेशन फोर्सेस जो अट्रॉसिटीज वहाँ कश्मीर में कर रहे थे उसको डाइवर्ट करना चाह रहे थे। फिर फेमस पुलवामा अटैक जो 14 फरवरी को हुआ 2019 को, जिसमें सीआरपीएफ के कानवाई पे एक सुसाइड व्हीकल के जरिए अटैक किया गया, इसमें 46 बंदे मार दिए गए थे। तो इसमें उन्होंने ये बताया कि इन्वेस्टिगेशन टीम ने की 350 kg का एक्सप्लोसिव इसमें यूज़ हुआ है, लेकिन जिनके जो एक फॉर्मर नदरन कमांड के कमांडर थे जनरल हुदा, तो उन्होंने कहा था मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता हूँ, जस्ट इज नॉट पॉसिबल कि 350 kg का एक्सप्लोसिव पाकिस्तान से जी इन्फिल्ट्रेट करके लाए और यहाँ पर गाड़ियाँ तैयार करें सब्सिक्वेंटली किए जाए। अगेन ये एक ड्रामा था, और ताकि सिंस आगे इलेक्शंस आने वाले थे तो ये स्टेज सेट किया गया ताकि सब्सिक्वेंट इस पे एक्शन लिया जा सके और पब्लिक सिंपथीज गेन किए जाए, पॉलिटिकल माइलेज थी वोट के लिए और पब्लिक सिंपथीज के लिए सारी ये कार्रवाई की गई थी, जिसके सबूत बाद में एक लीक चैट के ज़रिए पता चला जो है अर्नाब गोस्वामी और एक और बंदा दास गुप्ता के दरमियान हुए थे, जिसमें अर्नाब गोस्वामी बड़े खुशी से इजहार कर रहा था कि ही सेलिब्रेटेड दी जो पुलवामा में हुआ था एंड ही सेड दे ए बिग थिंग इज़ कमिंग अप। और ये 3 दिन पहले की बात, 3 दिन उस बालाकोट के जो सो कॉल्ड हमला हुआ था उससे पहले की उन्होंने ऐसी बात की थी और उसने कहा था समथिंग बिग विल हैपन। सो इसका मतलब था, वो लिंक था, उन सबको पता था कि पुलवामा भी ड्रामा था और ये इलेक्शन होने हैं, तो उसको लिंक किया जा रहा था बालाकोट से ताकि उस दर से भी ताकि वो बताया जाए कि मोदी की गवर्नमेंट बड़ी ब्रेव है, उन्होंने ये एक्शन लिया है। तो बट अनफॉर्चुनेटली ऑन ग्राउंड में उन्होंने एक 2-3 दरख्त और एक कवे को मार दिया था। दैट इज फैंटास्टिक, थैंक यू। अब जो रिसेंट इंसिडेंट हुआ है जो पुंछ के इलाके में है, जसकवाल का जो एरिया बनता है, जो फर्दर जो गाँव है, वहाँ से उन्होंने इन्फिल्ट्रेशन की एक गेम प्लान की गई थी, जिसमें 3 लोग थे जो एजेंट थे मकामी, उनको यूज़ करना था। प्रॉबली बशीर है, आलम है और एक और बंदा था, इन तीनों को उन्होंने यूज़ करना था। सब्सिक्वेंटली इन्फिल्ट्रेशन के बाद एक मस्जिद के करीब से ये चीज़ें बरामद करनी थी, बंदे पकड़ने थे और वेपन्स, और फिर उन्होंने मीडिया को ये वेपन्स इक्विपमेंट दिखाना था जो उन्होंने ऑलरेडी प्लान किए हुए थे। लेकिन ये टाइम से पहले ये चीज़ें अनर्थ हुई, क्योंकि अभी आप देखें ये इवेंट हो रहा था 26 फरवरी को, जब इंडिया अपना रिपब्लिक डे मना रहा था। ये हमेशा ऐसा होता है, मैं कमांडर चिनाब रेंजर्स था और मैंने अपने दौर में मैं वर्किंग बाउंड्री के ऊपर मैंने ये देखा है, इसके यही किस्म के इवेंट्स इंडिया वाले करते रहे हैं, जिसमें जब भी कोई इवेंट होता है, जब भी कोई डिग्नेटरी बाहर से आता है, जब भी कोई इंडिया में कोई बड़ा दिन मनाया जाता है, तो ये ऐसे इवेंट ऐसे गेम करते हैं ताकि इंटरनेशनल अटेंशन को ले सकें। और अभी जो ये हुआ इसकी लिंक इसलिए है क्योंकि रिपब्लिक डे हो रहा था और इजिप्शियन प्रेसिडेंट जनरल अल सीसी चीफ गेस्ट थे वहाँ पे, तो वो उसको भी ये इंप्रेशन देना चाह रहे थे ये पाकिस्तान ने किया है और आपको देखें कि आपके होते हुए ऐसा हुआ, फिर उसको भी ये इंप्रेशन पड़ता मेरा भी ख्याल नहीं रखा गया। और फिर OIC में उनका एक इन्फ्लुएंस है तो वो कश्मीर के मामले में उनसे मतलब वो कुछ ना कुछ वो कंसेशन लेने की कोशिश इसमें होगी। और सेकंडली ये है कि जो BBC की डॉक्यूमेंट्री आई है एंड गुजरात द बुचर ऑफ गुजरात और मोदी के बारे में, तो उस पर बड़ी लेदे हो रही है इंडिया में और उनकी बड़ी कोशिश है कि इस डॉक्यूमेंट्री को किसी तरीके से रोका जा सके। सो इनकी भी एक कोशिश थी कि वो भी अटेंशन डाइवर्ट कर सके और ताकि लोगों का वो ध्यान वहाँ से बट जाए। फिर एक और इसमें कोशिश ये भी की जाती है कि जो एट्रॉसिटीज हो रही इंडियन इलीगली ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर में है या एल्सवेयर इंडिया में, माइनॉरिटीज़ के साथ, मुसलमानों के साथ, क्रिश्चियंस के साथ, दलित के साथ जो कुछ हो रहा है उससे अटेंशन डाइवर्ट कर की जा सके। और अल्टीमेटली उनका एम यही है टू प्रेजेंट पाकिस्तान, तो इंटरनेशनल कम्युनिटी की क्रॉस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन भी है और टेररिज्म में ये इन्वॉल्व है, लेकिन इनको इस दफ़ा भी शिकस्त इस मामले में हुई और हमारे क्रेडिट जाता है हमारे एजेंसीज को, उन्होंने टाइमली इसको डिटेक्ट किया। वी लाइक देखने का शुक्रिया। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।